बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? अल्लाह पाक आपको खुश रखे सेहत के साथ। मैं आज बनाने लगी हूँ आइसक्रीम जो दूध से बनेगी। ये मैंने दूध लिया है 2 किलो, जो मैंने ऊपर रखा हुआ है, ये जोश में आने वाला है। और उसके बाद मैंने ये मैंगो लिए हैं, ये मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए हुए हैं, 3 डब रोटियों के पीस लेके मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं, तो ये ब्रेड क्रम्ब्स बन गए हैं। और ये मैंने चीनी ली है, ये हसबे ज़रूरत में डालूंगी, इसकी कोई मतलब नाप तोल नहीं है कि अपने पे डिपेंड करता है, जितना आप मीठा पसंद करें। ये इलायची पाउडर है, 1 छोटी चम्मच है या 1 पिंच कैन है। ये बादाम मैंने कूट के रखे हुए हैं मोटे मोटे। अब किस वक्त मैंने डबल रोटी डालनी है, आंबों का कहाँ पे यूज़ करना है, ये मैं आगे बनाती जाऊँगी और आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। ये देखें दूध में जोश आ गया है। अब यहाँ से मैं ये 3 कप दूध के निकाल लूँगी इसी से। ये 2 किलो पूरा मैंने दूध लिया है, भैंस का दूध है, और ये जो मेरे घर में नॉर्मल आता है दूध वही है। ये देखिए ये 3 कप, ये 4 कप मैंने दूध निकाल लिया है यहाँ से। बस ये मैं साइड पर रख दूँ, जब ठंडा होगा फिर दिखाती हूँ कि इसका मैंने क्या करना है। चलिए अब ये दूध पकता है तो फिर मिलते हैं। ये देखिए जी दूध पक चुका है, तकरीबन 3 इससे रह गया, चौथा हिस्सा पक गया ये दूध। इसमें अब मैं ये जो मैंने डबल रोटी का चूरा रखा हुआ है ये डालूंगी। पूरा कप तो नहीं मैं डालूंगी, ये मैंने बचा लिया। ये देखें आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे जो दूध लिया हुआ है मैंने, ये डालूंगी इसके अंदर जो मैंने उससे निकाल के रखा था। और इन्हें मैं थोड़ा सा चला लूँगी इसे, ताकि ये एक जान हो जाए। ये देखिए जी, ये मैं आप दूध इसके अंदर शामिल करूँगी जिसमें मैंने डबल रोटी वाले पिसी हुई डबल रोटी डाली थी। और यो ये जो है मैं आप इसके अंदर ऐसे देख ले सारी शामिल कर दी है मैंने। यहाँ पे आप इलायची का पाउडर मैं डाल दूँगी, ये फ्लेवर के लिए, अगर किसी को नहीं अच्छा लगता तो बेशक ना डालें, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आइसक्रीम में। यह अब मैं पकने दूंगी, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता तो दिखाती हूँ मैं। इसमें चीनी अब डाल दूंगी, जब ये आइसक्रीम है तो चीनी तो ज़्यादा ही जाएगी। मैंने आधा डाल दी है, अब मैं देख लूँगी, अगर ये आधी पूरी है तो ठीक है, वरना और डाल लेंगे। चलिए अब मैं ये 5-10 मिनट पका के तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी ये तैयार हो चुकी है, इतनी गाढ़ी मैंने कर ली है। और दूसरा इसका जो मैंने फार्मूला अपनी पहली 2 वीडियो में बताया हुआ है कि इस तरह जब चम्मच पे ठहरने लग जाए तो ये इसका अंदाज़ा हो जाता है कि ये बन गई है। ये देखें गिर तो रही है नीचे ड्रॉप्स, लेकिन ये सफ़ेद हो गई है चम्मच। यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे, ये मैं डाल दूँगी इसमें बादाम। ये देखे मैंने जितने कूटे हुए थे सारे डाल दिए हैं, एक प्याली थी ये छोटी सी। तो 2 किलो दूध में मैं ये बता दूं आपको कि चीनी जो मैंने डाली है ये आधा कप, यही बहुत हो गई है। और जो ये मैंने 3 स्लाइस करके इसमें रखे हुए थे, वो मैंने बचाए थे ना, वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। ये देखें जी चीनी मैंने आधी जो डाली थी वही डाली है, चीनी और मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी। और ये प्याली मैंने ली हुई थी जो 3 डबल रोटियों के स्लाइस पीसे हुए थे, ब्रेड क्रम्ब्स बनाए हुए थे, वो मैंने तीनों के तीनों डाल दिए हैं। कम थे तो मैंने जो बचाई थी वो मैंने डाल दी है इसके अंदर। 2 किलो दूध में 3 स्लाइस काफ़ी हो जाते हैं। ताज़ी डबल रोटी ले लें या बासी हो, वो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तोड़ के डबल रोटी को पंखे के नीचे रख दे, थोड़ी देर पड़ी रहे, उसके बाद उसे ग्राइंड कर लें तो वो बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्ब्स बन जाते हैं। फिर उन्हें अगर रोस्ट करना चाहें हल्के से तो कर भी सकते हैं। चले ये पक गया, मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। ये देखें जी आइसक्रीम तो हो गई है मेरी तैयार। तो ये बेकिंग वाला पैन है मेरा, इसके अंदर मैं ये डालूँगी। और ये जो मैंगो वाला मैंने रखा हुआ है मेज़ा बना के, वो मैंने क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। ये देखें ठंडी हो चुकी है, आधी डालूँगी मैं इसके अंदर। जी आधी मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी है, ये मैं रख दूँगी ऊपर फ्रीज़र में।
ये मैं फ्रीजर में रख के तो आपको बताती हूँ कि मैंने इसका क्या करना है। ये आंबों को मैंने छील लिया था, छील के उनके अंदर से पल्प निकाल के मैंने इसे ग्राइंड किया है दूध के साथ। थोड़ा सा दूध लिया था, उसके साथ मैंने ग्राइंड करके ये रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे ये डालूँगी, ये जो मैंने आधी आइसक्रीम, आधी तो नहीं, आधी से कम मैंने बचाई है, क्योंकि ये आमीज़ा भी था ना, इसलिए ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। ये सारी मैं इसके अंदर शामिल करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, अब यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया है। आम का आमीज़ा मैंने डाला है, तो इसे मैंने पकाया नहीं है, ना ही मैंने पकाना है। सॉरी, थोड़ा सा गले का इशू है। तो ये अगर मैं पकाती हूँ तो इसका कोई इतबार नहीं है, क्योंकि आम भी खट्टे हैं, सही मीठे आम नहीं आए, तो ये ना हो कि ये फट जाए। और जब मैंने इसे ग्राइंड किया था दूध के साथ, तो फिर मैंने इसे छाना था, इसके अंदर से ना काफ़ी रेशे निकले हैं, क्योंकि अभी तक वो आम नहीं आए जो रेशों के बगैर होते हैं, तो इसलिए मैंने छान लिया था। रेशे आइसक्रीम में नहीं अच्छे लगते, तो ये अब मैंने ऐसे ही मिक्स करके रख दिया। इसे मैंने नीचे वाले खाने में रखना है, जब वो मेरी पहले मोल्ड में जम जाएगी आइसक्रीम, तो ऊपर इसे मैं डाल के फिर मैं इसे जमाऊंगी। फिर जब काटेंगे तो ये दोनों अलग अलग बहुत खूबसूरत नज़र आएंगी इंशाल्लाह। जब मैं काटूंगी तो वीडियो का वहीं एंड करेंगे, और मैं आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि ये कितनी अच्छी लग रही है। ये देखें जी, 4 घंटे गुजर गए हैं, आइसक्रीम अभी फुल तो जो कहते हैं पकी है, वो जम गई है, वो तो नहीं जमी, लेकिन ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। इतनी निकाल लूँगी, आधी निकाल लूँगी, आधी रख दूँगी, फिर बाद में निकाल लेंगे, क्योंकि ये देखें जी, ये दोनों, ये पहले मैंने नीचे सफ़ेद वाली डाली थी और वाइट, और ऊपर मैंने ये मैंगो की डाली है, और ये देख लें दोनों लेयर्स जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी जमी है, और ये तैयार है। थोड़ी सी कसर है, लेकिन मैंने दिखाने के लिए ये 2 पीस निकाल लिए हैं। तो चलें जी, ठीक है, ऐसे बनाएं, बहुत इजी है बनानी और टेस्टी भी बहुत बनती है। बनाएं अपने घरों में, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।